our channel All Is Scholars. Today we will start a new chapter, that is matrices. Okay, today is part number 1 of this chapter. We will start with it. Okay, so let's start. So hum previously aapke probability ka chapter hai, usme kaafi questions karwa diye the. Okay, to jo maximum important questions tha wo sab karwa chuke hain. To probability approx aapka khatam hi hai, theek hai. Jo bhi aapka theoretical part hai and question wala part hai, dono hi cheez over ho chuka. To please ek baar usme टोटल आपका ए मैट्रिक्स, ठीक है? इसमें मेरे को एक नंबर
डिजिट और एम और एन, एम और एन, एम शो करता है आपका नंबर ऑफ रो शो करता है, और एन शो करता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, एम क्या शो करता है तो आपको पता चलेगा क्या कि कौन सा मैट्रिक्स है, कि उसका मतलब कितने कितना रो है और कितना कॉलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है तो ये क्या है 3x3 का है, क्योंकि इसमें क्या है रो भी 3 है आपका और कॉलम भी 3 है आपका, तो ये m इंटू n। तो मैट्रिक्स को दर्शाने के लिए, मैट्रिक्स को दिखाने के लिए हम m और n नंबर का यूज करते हैं। एक आपका नंबर ऑफ रो हो जाता है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आपका नंबर ऑफ कॉलम हो जाता है जो कि आपका वर्टिकल लाइन है। लेकिन जब हम किसी नंबर पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं तब हम उसमें i और j का यूज करते हैं, और i उसमें से रो को बताता है और j उसमें से कॉलम को बताता है। हमेशा याद रखिए कि आगे वाला जो नंबर होता है, चाहे वो आप नंबर को शो कीजिए चाहे आप मैट्रिक्स को शो कीजिए, आगे वाला नंबर पहले वाला नंबर हमेशा क्या करता है रो को ही बताता है। ठीक है, तो m और n क्या हो गया, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। सपोज इसमें हम m और n को क्या लिख सकते हैं, m इनटू n। इसमें मेरा क्या है, मेरे को रो कितना है 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 2 कॉलम। उसी तरीके से इस मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, रो है 2 और कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से हम m और n को लिखते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज को इसको हम रीड कर सकते हैं m by n, इस तरह से रीड करते हैं। ठीक है, m by n इस तरह से रीडिंग प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि 3 by 2 2 by 3 3 by 3 मैट्रिक्स बनाइए बोला जा रहा है, आप मान लीजिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाइए, तो आप क्या करेंगे 1 2 2 1 कोई भी नंबर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे ए बी लिख देते, ए बी सी डी। ठीक है, 2 by 2 का बन गया, मेरा रो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए 2। मान तो बोलता है कि 2 × 1 का बनाइए मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे ए रो आपको कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना चाहिए 2 × 3 का। ठीक है, कॉलम कितना चाहिए 3 चाहिए, सी डी ई। तो ये किसका बन गया 2 × 3 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपका एम और एन काम आता है। अब बात करेंगे अगर इस नंबर की, बोला जाएगा डी का बताइए प्लेस, तो डी किस प्लेस में है, तो इसका आई क्या होगा रो 1 रो 2, यानी कि आई आपका 2 हो जाएगा, जे क्या होगा 1 2, ये कॉलम भी हो जाएगा। तो ये जो डी है इसका पोजीशन क्या है आपका आई जे के हिसाब से 2 2, यानी कि डी आपका 2 2। इस तरह से हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन लिखना है, उसको लिख दीजिए पहले, देख लीजिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, और रेक्टेंगुलर numbers in the form of horizontal and vertical, horizontal and vertical lines is called a matrices, is called a matrices। ठीक है, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, काम करो मैट्रिक्स को, बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स
टाइमिंग जस्ट बताएं आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह की लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इस तरह की लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, हम बी भी लिख दे रहे, ठीक है, वर्टिकल लाइन। और नीचे जो आ रहा है वो आपका, सॉरी इधर जो जा रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है डाटा हॉरिजॉन्टल, जो आपका ये लाइन बना रहा ना वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और ऊपर से जो नीचे आ रहा है वो वर्टिकल है, तो इस साइड से जा रहा है वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसको लिख देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइन्स matrix
ऑर्डर एम इंटू एन, और इस तरीके से इसको लिखते हैं एम एन। ओके, ठीक है। एंड रीड बाय नेक्स्ट क्या है, ये तो आपका
अब आई जे के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी बता चुका है आई जे के बारे में, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन एलिमेंट एलिमेंट अपीयरिंग indicate
the number of column into N is denoted by कैसे denote करेंगे A is equal to suppose element क्या है A suffix में I J होता है तो हम I J और ये M into N और ये matrix का क्या हो गया हमको forward हो गया ठीक है capital A किस चीज को दिखा रहा है matrix को small A किस चीज को दिखा रहा है element क्या बता रहा है आपको एड्रेस बता रहा है एलिमेंट का और यानी कि आपको एक रो और एक कॉलम बता रहा है आई फॉर रो एंड जे इज फॉर कॉलम ओके तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये एम की किस चीज के लिए है एम इज फॉर रो मैट्रिक्स पर एन इज फॉर कॉलम ठीक है ये आई और जे जो है ये एलिमेंट का पार्ट है ठीक है क्या का पार्ट है एलिमेंट के बारे में बताता है एलिमेंट का एड्रेस बताता है ठीक है एम और एन क्या बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताता है ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ठीक है स्क्रीनशॉट Now, matrices are usually denoted by capital letter. देखो capital letter में है capital A क्या है ये बोला है capital letter में जो भी denoted हो आप समझ लो क्या है matrix के बारे में बता रहा जैसे कि यहाँ पे And the element of the matrix is usually denoted by element के बारे में कौन बताता है small letter बताता है जैसे कि यहाँ पे A है ठीक है वो क्या है small letter में है of the alphabet along with two suffix यहाँ पे I और J क्या है suffix है यानी कि जो side में नीचे छोटा सा यहाँ पे ए आई जे ठीक है तो ये 4 3 2 तो ये 3 2 क्या है आपका 4 का सफेक्स है सफेक्स बोलते हैं जो नीचे मिलेगा प्रीफिक्स बोलते हैं जो ऊपर मिलेगा ठीक है द फर्स्ट वन इंडिकेट रो यानी कि आई जो है फर्स्ट वन को इंडिकेट फॉर रो एंड द लेटर वन यानी कि जे जो है बाद में वो नंबर ऑफ कॉलम को दिखाता है फॉर कॉलम इन विच एलिमेंट अपीयर दस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इंटू एन एन इंटू एन का मैट्रिक्स है डिनोटेड बाय इस तरीके से डिनोट किया जाता है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया ओके टेक अ स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्या है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको बताना है इन सब का एक तो ऑर्डर बताना है दूसरा कितने एलिमेंट्स है टोटल वो बताना है थर्ड आपको ये बताना है कि हर एक नंबर का आपका एड्रेस क्या है मतलब कि आई और जी बताना हर एक नंबर तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मुझे पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है मेरे को पता है 2 रो है 2 कॉलम है यानी कि 2 × 2 पर है आपका ये मैट्रिक्स ठीक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 2 × 2 पर उसके बाद पूछा जाएगा कितने एलिमेंट है हमको पता है डायरेक्टली एम इंटू एन को मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 4 एलिमेंट्स है ठीक है 4 एलिमेंट्स है उसके बाद अगर एम क्या है 2 और एन भी क्या है 2 ठीक है अब मेरे को अगर एड्रेस पूछा जाए तो 2 का एड्रेस क्या होगा ये 1 1 पे है दूसरी ये 1 1 3 का एड्रेस क्या होगा पर रो 1 कॉलम 2 तो रो 1 कॉलम 5 का एड्रेस क्या होगा रो आपका 2 कॉलम 1 यानी कि रो 2 कॉलम 2 और -7 का एड्रेस क्या होगा रो भी 2 कॉलम भी 2 तो 2 ठीक है तो ये क्या हो गया एड्रेस हो गया आपके डैट ऑर्डर
टू, वन वन हो जाएगा टू का, माइनस वन का क्या हो जाएगा वन टू हो जाएगा, जीरो का क्या हो जाएगा वन थ्री हो जाएगा, और सिक्स का क्या हो जाएगा वन फोर हो जाएगा. ओके नाउ डी नंबर यहाँ पे कितना रो है, रो है आपका वन टू थ्री इन टू, कॉलम कितना है वन टू, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा थ्री इन टू टू, यानी कि सिक्स एलिमेंट्स का ये मैट्रिक्स है. ठीक है, सिक्स एलिमेंट्स का ये मैट्रिक्स. एड्रेस अगर पूछा जाए तो टू का क्या होगा, टू का होगा वन वन, नाइन का क्या होगा वन टू, फाइव का कितना होगा टू वन, रो टू और कॉलम वन, एट का कितना होगा टू टू. उसी तरह से माइनस वन का कितना होगा थ्री वन, और माइनस जीरो का कितना होगा थ्री टू. ओके, तो ये सबका एड्रेस हो गया. तो ये एग्जाम्पल हो गया किस तरह से इसका ध्यान निकालते हैं. ओके, एक स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्या है ना, अब हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स का एक टाइप आता है इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स जो पूरी तरह से सेम हो, जो पूरी तरह से सेम हो, मतलब कि पूरी तरह से एलिमेंट्स भी आपके इक्वल होने चाहिए. हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर डेफिनेशन में टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल दैट इज A is equal to B if and only if one number reason. जो order है ना आपका A and B are of same order. एंट्रीज ऑफ ए एंड
कंडीशन आर इक्वल। ओके एक्चुअली क्या होना चाहिए ना कि जो आपका मैट्रिसेस है, एक तो ये केस है आपका बॉर्डर आपका सेम होना चाहिए बिल्कुल, और दूसरा आपके जो एलिमेंट्स है वो भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन में रखने चाहिए, ठीक है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल एंड इफ ऑफ द ए एंड बी इन द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन होना चाहिए एलिमेंट्स के और वो भी आपके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ओके टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। यहाँ पे एक मैंने और लिख दीजिए, अदरवाइज मैट्रिसेस आर सेड अनइक्वल। दैट इज उसको अनइक्वल कैसे दिखाएंगे, ए इज नॉट इक्वल टू इस तरह, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू इस तरीके से। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट। जैसे कि इसका पहला एग्जांपल वो दैट सपोज ए है आपका, यहाँ पे आप 2, 3, 4, -5 ये नंबर है, ठीक है, और बी है एक एक मैट्रिक्स जिसमें आप अगेन आपका 2, 3, 4, -5 ठीक है, ये क्या है आपके अंदर के एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 का, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2 का, क्या दोनों इक्वल, वी विल राइट यस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी बिकॉज बोथ हैव सेम ऑर्डर दैट इज 2 × 2, दोनों का आपका क्या सेम ऑर्डर है एंड देयर एंट्रीज ऑफ एंट्रीज आर ऑल्सो इन सेम पोजिशन एंड इक्वल, सेम पोजिशन एंड दे आर इक्वल ऑल्सो। Matrix, what matrices
की दो चीज होना चाहिए, एक तो आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर पूरी तरह से सेम होना चाहिए, 2 into 2, 2 into 3 या 2 into 3, 3 into 2 नहीं चलेगा, और दूसरा पोजीशन भी हर एक नंबर का सेम होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 है तो वहाँ 0, इस तरीके से। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। और टाइप्स के मैट्रिसेस करेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।